रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। खबर है कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने में मदद की थी। अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पुतिन ने व्हाइट हाउस की दौड़ में जीत हासिल करने में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए और हिलेरी क्लिंटन को बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाने का आदेश दिया था। इसके पीछे का मूल उद्देश्य अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कमजोर करना था। वहीं ट्रंप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से की गई हैकिंग का चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन 31 पन्ने की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों को पूरा भरोसा है कि रूसी सैनिक खुफिया अधिकारियों ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और वरिष्ठ डेमोक्रेट नेताओं के ईमेल जारी करने के लिए विकिलीक्स जैसे मध्यस्थ का सहारा लिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो खुफिया विभाग पहले भी रूस पर अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाता रहा है, जिस पर ओबामा ने जांच के आदेश भी दिए हैं। हालांकि ट्रंप और पुतिन दोनों ही आरोपों से इनकार कर रहे हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।